नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत द्वितीय चरण का शुभारंभ। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के बेगमगंज में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण का शुभारंभ रायसेन जिले के बेगमगंज में वार्ड नंबर 1 में किया गया। अभियान 10 मई से 25 मई तक चलेगा। जनसेवा अभियान के तहत द्वितीय चरण का शुभारंभ मंडल अध्यक्ष कमल साहू, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप लोधी एवं समस्त पार्षद की मौजूदगी में किया जाकर हितग्राहियों को वृद्धा पेंशन संबल योजना का लाभ दिया गया। द्वितीय चरण का उद्देश्य कोई भी हितग्राही शासन की योजना का लाभ पाने से वंचित न रह सके। मंडल अध्यक्ष कमल साहू ने बताया, विकास यात्रा के माध्यम से हम सभी ने जनता के बीच में जाकर उनके सुख दुख में शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंची है या नहीं की जानकारी ली, और जिन तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया था द्वितीय चरण में उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने निर्णय लिया है, 10 मई से 25 मई तक जनसेवा अभियान चलाया जाए। जो भी हितग्राही मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं से वंचित रह गया हो, पुनः द्वितीय चरण में शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाए। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। निकाली थी उस विकास यात्रा के माध्यम से हमने जनता के बीच जाकर उनकी सुख दुख, उनकी जन कल्याणकारी हमारी सरकार की योजनाएं थी वो उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, उसके लिए हम लोग विकास यात्रा के माध्यम से घर घर तक पहुंचे थे। उसमें जो निकल के आया कि हमारे कुछ हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह ने निर्णय किया एक बार पुनः हम उस जनता के बीच फिर से जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के माध्यम से 10 तारीख से 25 तारीख तक पुनः 15 दिन के लिए हम आपके बीच फिर खड़े हैं। इस अभियान के माध्यम से जो व्यक्ति मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं से लाभान्वित होने से रह गए हैं, हम इन 15 दिनों में प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से वंचित ना रह सके। इस हेतु आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का शुभारंभ हो रहा है और हम इस माध्यम से प्रत्येक वार्ड में जाएंगे और प्रत्येक वार्ड के वार्ड प्रभारी का कर्तव्य है कि 67 जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से उन सभी हितग्राहियों को जिनकी जो परेशानी है नगर पालिका के माध्यम क्षेत्र की हो या नगर पालिका के अंदर की हो, तहसील विभाग तक की हो, उन सारी योजनाओं को उनकी अगर कोई परेशानी है तो वो चिन्हित करें। इन 15 दिनों के अंदर सारी योजनाओं को चिन्हित करके उनको हम कैसे लाभ प्रदान करें आने वाले समय में।